आपके एक गर्लफ्रेंड के बारे में। गर्लफ्रेंड के बारे में? कौन सी गर्लफ्रेंड? इसकी कोई बनती नहीं है। तीन बार में भी नहीं पटा पाए? नहीं, ये बात नहीं कर नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव वेलकम करता हूं हमारे चैनल फ्लैशबैक पर। आज फ्लैशबैक पर हमारे साथ हैं भाई बहन ब्लॉग्स भूपेंद्र और नेहा। भाई वेलकम टू आवर चैनल फ्लैशबैक। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको हमारे सेट पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है और यहां पे आपकी टीम से भी मिले, सभी बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं और आपसे मिलने की काफी ज्यादा। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है यहां पे, मतलब ऐसा होता है कि हेजिटेशन नहीं हो रही है। थैंक यू नेहा, सबसे बेस्ट चीज है। मतलब ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू। मेन थिंग कि बहुत सारी जोड़ियां होती हैं लेकिन एक बॉन्ड जो होता है ना, भाई बहन का बॉन्ड अलग ही होता है। तो यार इस बॉन्ड को आप एक बार समझाओगे, इसका क्या मतलब है बॉन्ड का? तो जैसे कि ना बहुत सारी जोड़ियां होती है, जैसे मैं एक फ्रेंड का एग्जांपल, तो फ्रेंड्स में भी ना एक कंडीशन होती है तभी वो हमसे करेगा। जैसे कि हाँ भाई, उसको लग रहा है कि ये बंदे से पहले मिल सकते हैं तो वो करेगा। अब भाई के साथ में क्या होता है, इसकी मैं जितनी चाहे उतनी बेइज्जती मार लूं पर ये अगले दिन आके से मुझे मना नहीं करता। कोई बात नहीं, मुझे बार सेट करना पड़ेगा, उससे आगे नहीं जाने देंगे वो तो देख ही लेंगे यार। एक और जैसे कि आपका बॉन्ड जैसे हिसाब से, मतलब एक ना मस्ती वाला है फुल, तो यार एक ना एक ऐसा एक्सपीरियंस हो या ऐसी कोई मेमोरी हो जिसमें आपको लगता हो कि नहीं आपके बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पता चलती हो, ऐसा कोई मोमेंट हुआ हो। ऐसा एक बार हुआ था कि नेहा का वो था, इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी एक कंपनी, काफी बड़ी कंपनी थी, ठीक ठाक लेवल की कंपनी थी। बट होता क्या है कि ये मार्केट में थी और इसे इंटरव्यू देना था, पता नहीं जैसे कैसे कॉल किया उन्होंने, किस टाइप का कॉल कर लिया, इसका इंटरव्यू ठीक से नहीं हो पाया। अब इसका नहीं हुआ उसमें, क्यों? क्योंकि वो प्लेस ही सही नहीं था, एनवायरमेंट ही सही नहीं था वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। तो इसने क्या किया कि आके घर पर केवल रोने लग गई और रोती रही कुछ नहीं कर रही है। वहाँ पर फिर मैंने इसे समझाया, बिठाया, बैठ के फिर दोबारा से मैंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, अगर ये कंपनी नहीं भी मिलती तो भी ऐसा नहीं कि लाइफ खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में हमने क्या किया है, मैंने जो किया है पर्सनली उस कंपनी को मेल लिखा है बड़ा सा, उसमें सारी समझाइए। फिर उनसे दोबारा उनकी तरफ से आता है इंटरव्यू के लिए कॉल, और इंटरव्यू क्रैक किया उसने, वो जॉब भी कर रही है बढ़िया आराम से, वर्किंग है उसके लिए। तो आई अप्रिशिएट हिम, एक बार करना पड़ता है तरीके से कर। बस इतना ही काम किया उसके लिए भैया जी बोल के बस रहने दे, बेइज्जती सुनेगा मेरे मुंह से। उपेंद्र भाई, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि ऐसा भी लगता हो कि कभी कभी मिसकंसेप्शन हो जाता होगा लोगों के, यार एक्चुअली सब जगह है भाई बहन जाते हैं नॉर्मली, अब क्या होता है ना कहीं दो लड़के लड़की चल रहे हैं तो लोगों को लगता है कि या तो फ्रेंड्स हैं या कपल हैं, तो कभी आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कभी ऐसा? ऐसे मैं आपको दो एग्जांपल्स बताना चाहूंगा। एक तो ऐसा है कि जैसे कि हमारी वीडियो जो पहले आती थी, अब तो लोगों को पता लग गया कि हाँ हम भाई बहनी है। पहले लोग डीएम से जाके पूछते थे कि आप भाई बहनी तो मतलब सच में भाई बहन हो, और फिर कुछ लोगों के कमेंट्स आते थे आप भाई बहन नहीं लगते हैं, तो कुछ मतलब लोगों की होती है। तो लोगों को ना अपनी मेंटेलिटी जो है ना वो चेंज करनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए सिर्फ देख के, बस हाँ मतलब तुम लोग उनसे पूछ सकते हो डायरेक्ट, ये नहीं कमेंट्स में आके बोल दिया कि अरे यार तुम तो ये लग रहे हो वो लग रहे हो, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए और उनके बारे में पहले पूछ लो भाई है कौन, पूरा नाम पढ़ लो भाई, भाई ब्लॉग्स भाई बहन लिखा हुआ है उस पे, तो तुम और क्या ही उसमें होगा कॉन्टेंट। और पूरी सोसाइटी को तो हम नहीं चेंज कर सकते, बट कुछ कमेंट्स ऐसे आए जो कि ऑफेंसिव थे, तो उनको फिर मैंने रिप्लाई किया, उन्होंने बड़े तरीके से बहुत बड़ा सा लिख के दिया था, तो मैंने उन्हें एक दो को मतलब सेलेक्टेड को रिप्लाई भी किया। वैसे मैं अब यूजुअली ऐसे रिप्लाई नहीं देता हूँ, तब मैंने रिप्लाई किया क्या सारे सिबलिंग्स जो होते हैं एक जैसी सर्कल के होते हैं क्या, या एक जैसी एज के होते हैं? But I appreciate one thing also, like मतलब मैंने एक कमेंट, मतलब हमारे बारे में ऐसे कुछ कमेंट था तो उसमें ना मतलब डिफेंड करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, वो खुद से डिफेंड करते हैं। हाँ, तो वैसे लोगों को आई रियली अप्रिशिएट देम। जहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया पे हो, अगर आपको 99 लोग अच्छा बोल रहे हैं तो उसमें से एक खराब भी बोलेगा, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यार कभी कभी ना जैसे होता ना कि मैंने आपके ब्लॉग जिस हिसाब से देखे यार, आप लोग ना बहुत फनी जोन में भी रहते हो, घूमना फिरना और मतलब कॉमेडी रहता है, और लोगों को इस चीज का मिसकंसेप्शन रहता है कि यार
यार घर में क्या ही मजा आएगा, मुझे लगता है आप घर में ही मजा आता होगा, कभी दोस्तों की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी। अरे हमारा तो मतलब पहले मैं बताती हूँ, पहले लिटरली ऐसा होता था कि मैं ना ज्यादा मतलब मेरे फ्रेंड्स बुरा नहीं मानती थी पहले ऐसा होता था कि मैं बहुत ज्यादा पार्टीज करती थी, मैं सारे फ्रेंड्स के साथ करती थी, बट धीरे धीरे मतलब जब से हमने अपना ये स्टार्ट किया ना, मुझे बहुत सारे तो दोस्तों की रियलिटी भी पता लगी है कि मतलब पता लगा है कि लोग ऐसा सोच भी सकते हैं, मतलब बहुत जो खास भी थे वो भी, तो मतलब ऐसा ही होता है कि ना बाद में रियलाइज होता है कि यार तुम्हारी फैमिली ही तुम्हारी सबसे बड़ी सपोर्टर है। तो अब तो मेरे जो भी रहता है ना इवेंट्स वगैरह, मैं तो अपनी फैमिली के साथ ही करती हूँ, मैंने लास्ट बर्थडे भी अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट। और ये है कि भैया साथ में आपके जाते होंगे तो नॉर्मली ये फील ऐसा नहीं होता, खुल के जीना मस्त। बस एक बात की दिक्कत रहती है कि ये खाना बहुत खा जाता है। तू कब से देने लग गई फिर मुझे ये बताइए। अरे नहीं भाई नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो। तो यार एक चीज और है यार, मेरे साथ भी एक बार हुआ था, आई वाज गोइंग टू विद माय सिस्टर, मैं अपने बहन के साथ जा रहा था, तो भाई रोड पे मांगने वाले नहीं आते, तो दिल्ली का कंसेप्शन यही है, तुम्हारा भाई बहन का जो भाई बहन है तुम्हारा जोड़ा सलामत रहे। तो भाई कभी कभी इस तरह के मिसकंसेप्शंस भी हो जाते हैं, कभी ऐसा हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ इस तरीके का, पर ऐसा होता है ना जैसे कभी कभी हम कहीं खाने वगैरह पे हाँ। तो वहां पर उन लोगों की नजरों से पता लग जाता है कि वो किस तरीके के सोच रहे हैं, तो ऐसा कभी कभी इस तरीके से लगा है, पर डायरेक्टली किसी ने नहीं बोला। यार यूजुअली ना भाई बहन का रिश्ता जो होता है ना, एक ना लड़ाई भी सबसे ज्यादा उसी रिश्ते में होती है, प्यार भी सबसे ज्यादा उसी में होता है, तो कभी ऐसा लगा हुआ कि जैसे नेहा ने कहीं लड़ाई कर ली और आपको जाना पड़ा, अरे भाई रहने रहने दूसरों को बचाने के लिए। दूसरों को बचाने के लिए नहीं, इसे लोगों को पिटवाया काफी है इस तरीके से। अरे लड़ाई करती है फालतू की बात नहीं थी, मैं बताती हूँ क्या था। मतलब हम लोग ना मतलब हमारी कार में पता नहीं क्या हुआ था, हम लोग ऑटो से गए थे और मेरे साथ में कुछ सिब्लिंग्स तो हमारे साथ में मामा जी का भी बेटा था। हाँ वो आए हुए थे, तो हम लोग ऐसे ही कुछ खाने पीने गए हुए थे, तो वहां से जब आ रहे थे ना हम वापस, तो क्या होता है कि ना एक ऑटो वाला मतलब उसको हमने बोला था कि वहां तक जाना है या नहीं, तो उसने बोल दिया था हाँ जाऊंगा, बट पता नहीं क्या हुआ था वो नहीं जाने को मना कर रहा था, तो ये सारे लोग उतर गए थे, मैं रह गई थी और मेरा आधा पैर जमीन पे आधा उसमें, और उसने ऑटो चालू कर दिया आगे बढ़ा दिया, और मैंने फिर जो उसकी वाट लगाई है ना मैंने बोला भैया तो देख ले चाहिए बचना नहीं चाहिए। मैं वैसे ज्यादा वायलेंस को अप्रिशिएट नहीं करती, बट फिर भी मुझे उस टाइम पे गुस्सा आया था कि ऐसे किसी को भी लग सकती है। तो फिर ना मतलब क्या होता है कि ये सारे लोग गए, अब एक ऑटो वाला भी ना इतना ज्यादा पता नहीं क्यों वो इतना इंटरेस्टेड था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, उसने पीछे लगा दिया उसको और उसको चेंज करने लग गया। अच्छा, और उसके सामने जैसे एक्शन मूवी होती है ना उस तरीके से आके लगा रोक दिया, राउडी राउडी मेरे साथ में दो तीन लोग और थे, मतलब उसने ज्यादा सुनाया कुछ ज्यादा बोला नहीं, बट हाँ सुनाना जरूरी भी था, सुनाना जरूरी था उस टाइम पे, क्योंकि अब इस तरीके से इसका एक पैर है उसमें ऑटो में रखा हुआ है, एक पैर नीचे है थोड़ा लग जाती है, अगर इसका एक पैर वो वहां से नहीं हटाती लेकिन ये तो ठीक है, ये एक इंसिडेंट है। कभी ऐसा हुआ है कि स्नेहा आपने कभी इनको मम्मी से पिटवाया हो? मैं वैसे फ्रेंड्स तो पूरे बनाती हूँ और नॉर्मली ना क्या कहते हैं भाई लोग नहीं ज्यादा मतलब पिटवाते पिटवाते नहीं है, लेकिन बहन जो होती है ना भाई साहब वो पीछे से जाके ऐसे करती है मम्मी बताओ इसको। अरे इसका तो सिस्टम ऐसा था पहले तो कि मतलब मैंने ऐसे करके टच कर दिया ना, अरे मम्मी मार रहा है मुझे, बहुत जोर से मार रहा है, बहुत जोर से मार रहा है, पहले आठ दस मार ली खींची थी मेरी, लेकिन अब ना मम्मी को भी पता लग गई है, अब मम्मी को ये वाली ट्रिक इसकी पता लग गई है, और कोई नई ट्रिक लाए ना जो आप। हाँ तो नई नई से ये पिज्जा तो है सारी नई है वो। सबसे पहले तो यार भूपेंद्र भाई देखो नॉर्मली सबको घर में पता नहीं होता, तो आई विल वांट टू आस्क कि आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में। गर्लफ्रेंड के बारे में कौन सी गर्लफ्रेंड का है इसकी कोई बनती नहीं है, बन जाएगी लेकिन जल्दी बनेगी, अब तो अपने फ्रेंड्स का नंबर देती नहीं क्या करूं, बस फ्रेंड ही मिली है मेरी, कोई बाहर नहीं मिलती, तो ये तेरी कोई फ्रेंड नहीं है। देख तेरी इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, अब उनमें से किसी का भी जो तुझे अच्छी लगती हो भाई के लिए। हाँ तेरा तरीका है पटाने का, मैं तो नंबर दे दूं
कोई बात नहीं तो ठीक है फिर आज नंबर लिखा दियो मैंने इसको एक बार बोल दिया चल मैं दिन में कॉल लगा रही हूँ एक लड़की थी कोई तो मैंने उसको कॉल लगा रही अब इसकी हवा फिर तो कह रहा है नहीं यार भाई यार सारे खुलास हो जाएंगे नहीं ये वाला इंसिडेंट तो हो चुका है मैं इसे मतलब मजाक कर रहा जब सच्ची बता रही हूँ सीरियस ले लिया ऐसा एक बार नहीं पांच छह बार में नहीं पटा पा रहा इसके पास इतने मौके देती हूँ मैं फिर भी नहीं पटा पाता देखो अब तो आपको प्रूव करना पड़ेगा अब तो कैमरे में आ गए हो आप यार ये तो चलो इज अ जोक्स अपार्ट कि यार कभी ये बताओ कि नेहा आपको इनकी सबसे बुरी बात क्या लगती है अरे बुरी तो बहुत सारी हैं अच्छी बता दो बता देती हूँ अच्छी है तो देखो मैं बताती हूँ मतलब होता क्या है ना जनरली कि जब मैं कुछ खाने को बैठती हूँ ना और जैसे मम्मी है ना इक्वल चीजें रखी है तो जब मैं उठाऊंगी ना चाहे वो कम है तो भी इसको लगेगा इसने ज्यादा उठाई है और उस बात में हमारी बहुत ही लड़ाई हो जाती है और ऐसा एक बार नहीं ऐसा हजारों बार होता है और दूसरी इसमें अच्छी बात मैं ऐड कर देता हूँ अच्छी बात ये है कि जब फिर ऐसा होता है ना तो मैं क्या करता हूँ मैं नेहा से बोल देता हूँ नेहा तू एक काम कर सबको बराबर बराबर स्प्लिट करके रख दे उसमें से मैं अपनी पिक कर लूंगा तो ये इसका सॉल्यूशन भी है इक्वालिटी उसको भी वेट करके देख मैगी की लड़ाई तो भाई सबकी होती होगी भाई सबके घर में मेरे भी हुई है मैगी के पीछे लड़ाई आपके भी हुई है ऐसी मैगी नहीं हर चीज के पीछे मैगी में बहुत छोटा सा हिस्सा है उसका बाकी कभी ऐसा ना हो कि दोनों को मम्मी ने बाहर पका दिया तुम दोनों को ही नहीं मिला ऐसा बहुत पर रोज होता है तो मतलब मम्मी ऐसा बोलती है ना पता नहीं मैंने कैसे कर्म किए थे जब हमारी वीडियो भी वो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है उसमें क्या है कि मैं बोल रहा हूं नेहा तुझे मतलब क्या था तुझे पता है तू कितनी ज्यादा खुशनसीब है कि तुझे मेरे जैसा भाई मिला तुझे पता है कि तू कितना खुशकिस्मत है कि तुझे मेरी जैसी बहन मिली और मेरी कर्म खराब है ऐसी औलाद मिली भूपेंद्र भाई एंड निहाल सो कि आपके घर के अंदर भी ये माहौल बना रहता होगा स्पेशली मैं पूछ रहा हूँ फादर का कुछ रिएक्शन बताओ जरा अभी इस टाइम पे तो पापा बहुत सपोर्टिव है हाँ जी बट कुछ दिन पहले का टाइम हुआ करता था जब पापा इस चीज के बारे में उनको शायद इतनी नॉलेज नहीं थी क्योंकि वो इस चीज से यूज टू तो उस टाइम पे वो सपोर्ट नहीं करते थे जैसे किसी अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ बोल दिया उनसे कभी कभी क्या होता है ना कि पड़ोसी ये बोल देते हैं कि आपके बच्चे तो पता नहीं जाने क्या ही कर रहे हैं और ये इंटरनेट पर अपने फोटोज क्यों डाल रहे हैं और वीडियो क्यों डाल रहे हैं कि क्या फायदा मिल जाएगा इस तरीके की सोसाइटी है अभी भी अगर हम जाते हैं हम आते हैं मथुरा में मथुरा कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी सिटी हो बहुत बढ़िया ओपन माइंडेड लोग रहते हो ऐसा नहीं है तो अड़ोसी पड़ोसी पिंच करते रहते थे उनको लेकिन अभी कुछ पड़ोसी ऐसे भी हैं जो कि उनसे हमारी तारीफ करते हैं फैंस नहीं हाँ पड़ोसी हाँ। तो मतलब ऐसे मतलब मैं अप्रिशिएट करूंगी पड़ोसियों को कि पड़ोसी मतलब यार अब तारीफ करते हैं जब पापा घूमने जाते हैं ना सुबह तो वो खुद आके बोलते थे वो ये मतलब इनके बच्चे ना वीडियोस बनाते हैं और बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं तो मतलब पापा जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना तो वो उनको आगे बताते हैं और उनकी एज ग्रुप के लोग ये चीज को अच्छा बता रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि उस एज के लोग हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं फैमिली पहले सपोर्ट नहीं करती थी इतना ज्यादा अब ज्यादा मम्मी हमेशा से सपोर्ट करती थी मम्मी तो हमेशा सपोर्ट करती थी मतलब पहले मैं टिकटॉक पे वीडियोस ज्यादा बनाती थी उधर मेरे करीब करीब 2.5 लाख फॉलोअर्स हो गए थे अपनी प्रमोशन चल रही है लेकिन तभी बैन हो गया
यार जैसे कि ना मान लो हम नॉर्मली फैमिली में रहते हैं और फैमिली में आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, तो आप इतने टाइम से नॉर्मली आप सब आप मतलब फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करते हो, तो फैमिली सॉरी फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहता है? फ्रेंड्स का मैं बताती हूँ, पहले तो मेरे फ्रेंड्स जब मैंने स्टार्ट ही किया था ना वीडियो, मतलब मेरे को हमेशा से था कि मुझे ना मतलब मेरा इंटरेस्ट है एक्टिंग का, तो मेरा हमेशा से रहा था, तो कुछ मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे उनको मैं ऐसी चीजें शेयर करती थी कि यार मतलब पार्ट टाइम के लिए मैं दूसरी चीजें भी कर रही हूँ बट मेन फोकस मेरा एक्टिंग में है, तो यार मुझे इसको आगे बढ़ाना चाहिए, मतलब थोड़ी टेंशन होती तो फ्रेंड से करते हैं डिस्कस, तो वो लोग हमेशा बोलते थे नेहा तू ये कर, नेहा तू वीडियोस बना, तू ये कर, अरे तू ऐसे नहीं ऐसे वीडियोस, मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट उसके बारे में। एक वो जो तेरी फ्रेंड थी स्पेशल, अरे जिसने तुझे ब्लॉक कर दिया था। अच्छा वो तो कुछ और रीजन पर ब्लॉक किया था उन्हें, तो मतलब ऐसा। और अब वही लोग जब उनको दिख रहा है कि हाँ शी इज लिटरली ग्रोइंग, तो उन वही लोग दूर होते जा रहे हैं, मतलब उन लोगों को पता नहीं क्या लग रहा है, मतलब पर मैं सारे फ्रेंड्स की नहीं कहूंगी, मेरे दो तीन फ्रेंड्स इतने भी ज्यादा सपोर्टिव भी होते हैं। हाँ एक मेरा फ्रेंड है, अब मेरी बात कंप्लीट होने दे पहले, दो तीन फ्रेंड्स इतने ज्यादा भी बनवा दे यार। एक क्वेश्चन मेरे बीच में आया, मतलब भाई ना अपने बहन के ना मेल फ्रेंड्स को लेकर थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं इस चीज को लेकर, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। ऐसा मेरे अंदर वो नहीं है, चलो मुझे पता है कि मेरी बहन सही है, जो भी करेगी वो ठीक करेगी, तो मेरे अंदर हमें अपने पे तो ट्रस्ट है, अपने परिवार सामने वाला अगर मतलब ऐसा हो तो इसको पता है कि मैं कैसी हूँ तो उस चीज की इसको टेंशन नहीं रहती, इसको पता है ना कि मतलब उतनी मेच्योरिटी मेरे में है कि कोई मेरे को किस तरह से बात कर रहा है वो चीज में समझ जाती हूँ और फिर उससे उतना ही डिस्टेंस बना के रहती हूँ। और फिर अगर हमें कुछ अगर गलत लगेगा, ऐसा है ये सारी बातें शेयर करती है हमसे, गलत कुछ गलत लगेगा तो हम इसे बता देते हैं, उसको ठीक कर लेगी, वैसे अभी तक कुछ लगा नहीं है। मैं हूँ समझदार, समझदारी दिखा रही। एक चीज और यार, फ्रेंड्स हो गए ये रिश्तेदार भी हैं। हाँ रिश्तेदार का उनको कुछ जवाब देना चाहते हो क्या? प्रोग्राम में गया था तो हुआ क्या था कि वहाँ पे एक रिलेटिव थे जो कि यही सब बातें चलने लग रही थी, तो प्रोग्राम में फंक्शन में तो इकट्ठे होते हैं चार छः जगह के लोग, तो एक जगह के लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अच्छा बेटा तुम ये कर रहे हो? मैंने बोला हाँ जी ये कर रहा हूँ। अच्छा तो इसमें क्या है, कहाँ से कैसे होता है, कैसे डालते हो, कैसे बनाते हो वीडियो? मैं बताया गया। अब उन्होंने इंटरप्ट करके बीच में कि ये तो उनका काम है, मैं उस वर्ड को यूज नहीं करूँगा क्योंकि खराब हो जाएगा, तो उनका काम है ये सब लोग वो करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अपने अंदर से वो फीलिंग आई, तो मैंने ही उनसे ये चीज़ बोली, तो थोड़ा सा वहाँ पे हम बाद में बात हो गया, मतलब क्या बोले अभी बर्ड मेरी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है वो हुआ हमारे बीच में। अब होता क्या है, वहीं पे तीसरे एक और रिलेटिव आते हैं, उन्होंने तारीफ करने की इतनी जड़ी लगा दी, उनको पता ही नहीं थी, वो मुझे जानते ही नहीं थे, उन्हीं के सामने कम से कम एक घंटे हमारी तारीफ करने पर उन्होंने गुजार दिया, तो वो बोलते अरे अभी इस टॉपिक को रहने दीजिए बाद में बात करेंगे। ऐसे इंसिडेंट भी हुए। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि यार आप लोग बिलोंग कहाँ से करते हो? तो हम बिलोंग करते हैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से, बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों के यही क्वेश्चंस रहते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम भूपेंद्र और नेहा, जिन्होंने हमें सारी चीजें बताई। अगर आप भी हमारे को सारी चीजें बताना चाहते हो तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन से हमें कॉन्टेक्ट करें, और अब हम जानेंगे नेहा और भूपेंद्र से कि उनका एक्सपीरियंस उनको कैसा लगा हमारे यहाँ पे। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आप सबकी टीम है, थैंक यू भाई, सबके सब बहुत कोऑपरेटिव है, प्लस मैं पर्सनली भी जानने का मौका मिला, काफी देर हम आधे घंटे के अराउंड शायद हमने बातें भी करी, सभी बहुत अच्छे, हमने ब्रेक में जितने भी लोग थे हमने इतना अच्छा इंटरेक्शन हुआ है इन लोगों से, बहुत अच्छा लगा। और पर्सनली मतलब मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है यहाँ पे,
तो बहुत ही अच्छा था, बहुत कंफर्टेबली आपने हम लोगों को हैंडल भी किया है। और मतलब जैसे मैं आई थी तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने मुझे भी दिया था जिसमें मैं अपना कर सकती हूँ टच अप एंड ऑल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।